नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी और साथ में सर्कुलर मोशन की जो थ्योरी है वो भी इसमें अप्लाई होती है. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट टी इज इक्वल टू जीरो विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल. द रेडियस ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज आर. Neglecting the air resistance and taking g is equal to 10 meter per second square, the value of r is, मतलब कि हमें radius of curvature find करना है ना. तो actually में जब किसी projectile को हम लोग ऐसे project करते हैं तो यहाँ पर इसको project किया गया है 10 meter per second से और angle दिया गया है 60 degree पर. तो किसी टाइम टी पर एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है ये होता है यू साइन थीटा माइनस जी टी. तो वैल्यू फाइंड करते हैं. क्वेश्चन में देखेंगे यू का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड और थीटा है 60 डिग्री तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. वहीं पर अगर वी वाई फाइंड करेंगे तो यू है 10 साइन 60 डिग्री माइनस जी का वैल्यू 10 और टी का वैल्यू 1. ये होता है √3/2 यानी कि 5√3 माइनस 10 ये आ जाएगा है ना. तो ये आ गया वी वाई. तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये निगेटिव में आएगा. इसका जो वैल्यू है वो 10 से कम आएगा. 10 से कम आएगा तो वी वाई जो है निगेटिव है. निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि ये जो है यहां पर एक्चुअली में चूंकि ये निगेटिव आ रहा वी वाई इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल है वो हाईएस्ट पॉइंट के आगे जा चुका है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 5 मीटर पर सेकेंड है और नीचे की तरफ जा रहा होगा इसीलिए निगेटिव आया है. तो अगर मैं इसके चूंकि मैंने डायरेक्शन नीचे दिखा दिया तो उसका मैग्नीट्यूड मैं दिखाऊंगा 10 माइनस 5√3 है ना. तो इतनी वेलोसिटी नीचे की तरफ है नेट वेलोसिटी कहीं आएगा इधर. तो ये जो वेलोसिटी आएगा रिजल्टेंट वो आएगा इन दोनों के रिजल्टेंट से 5 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर का रूट. तो ये तो हो गया नेट वेलोसिटी और भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये एंगल निकालना पड़ेगा अल्फा. और ये एंगल निकालने का जो तरीका है हमने जो थ्योरी में पढ़ा है वो होता है वी वाई बाई वी एक्स. तो वी वाई को मैं यहां पर रखूंगा 10 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाई वी एक्स जो है वो है 5 है ना. तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3. जब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे ना ऐसे तो अल्फा का जो वैल्यू है यहां से आएगा 15 डिग्री. ठीक 15 डिग्री निकल गया. तो एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि कोई भी कर्व पाथ होता है वो किसी ना किसी सर्किल का पार्ट होता है. तो ये भी किसी ना किसी सर्किल का पार्ट होगा ऐसे है ना. सर्किल का पार्ट होगा तो इस सर्किल का रेडियस और कर्वेचर हमसे पूछा गया है. एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो आता है नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में. यानी टोटल एक्सेलरेशन जो है वो जी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इस प्रोजेक्टाइल पर नीचे की तरफ लग रहा होगा. इसके टोटल एक्सेलेशन के दो कॉम्पोनेंट होते हैं. एक तो टेंजेंट अलोंग आता है जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलेशन कहते हैं और एक आता है रेडियल डायरेक्शन में सेंटर की तरफ जिसको हम लोग सेंट्रिपेटल एक्सेलेशन कहते हैं है ना. तो अगर ये अल्फा है देखेंगे हॉरिजेंटल है ये वर्टिकल है ये 90 हो गए टोटल. तो ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा आएगा है ना. अब देखेंगे ये टेंजेंट है और ये रेडियस के लॉन्ग है तो ये एंगल फिर 90 है. अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा आएगा. तो जी का कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में कितना आएगा जी कॉस अल्फा. ये जो एक्सेलेरेशन आया इधर उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन. और सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल है ना. तो यहां से r का वैल्यू आ जाएगा v स्क्वायर बाई g cos अल्फा है ना. तो v जो है यहां पर यहां से आएगा मतलब कि 5 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई g का वैल्यू है 10 और अल्फा का वैल्यू है 15 डिग्री. तो ये सारे वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा.
ये अप्रोक्सीमेटली जो है 2.77 आएगा। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि 2.77 नहीं है यहाँ पर, उसके पास में अगर कोई वैल्यू दिया है तो ये दिया है 2.8। तो हम लोग आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं 2.8 मीटर। ये आ गया इस सर्किल का रेडियस, है ना, जिस सर्किल का ये छोटा सा कर्व जो है ये पार्ट होगा।